तो आप सभी स्टूडेंट देख सकते हो WBG का ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अपडेट आया है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, व्यू और चैलेंज ओमर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टिल 28th में। तो देखिए आपका जो दो ओमर सीट है, एक है मैथ्स का एंड दूसरा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आपने जो रिस्पॉन्स फिलअप किया है उसको आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या रिस्पॉन्स फिलअप किया है एंड एक्चुअली में क्या शो कर रहा है। तो अगर लगता है कि हाँ मैंने जो रिस्पॉन्स फिलअप किया था वो कुछ और था एंड यहाँ पर कुछ और शो कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। कैसे करना है सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड ये जो अपडेट है ये आज ही आया है, तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर संग संग अपडेट आपको मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है, एंड आपका जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिए थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर टैब दिख रहा होगा व्यू और चैलेंज ओमर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, तो यहाँ से आप अपना देख सकते हो आपका जो ओमर सीट है वो क्या था, ठीक है, एंड जो मशीन है वो क्या रीड किया है। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ व्यू एंड क्लेम, एंड आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज़ मैं मैथ्स का चेक करना चाहता हूँ तो मैथ्स पर मैं क्लिक करता हूँ, एंड सपोज़ पेपर सेट बी था मेरा, ठीक है। तो ये देखिए ये मैथ्स का ओमर सीट है, यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने क्या रिस्पॉन्स फिलअप किया था। अब आपको लगता है, देखो ये जो है ये मशीन रीड किया है, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये मैनुअल चेकिंग नहीं होता है, ये मशीन के द्वारा चेक होता है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और फिलअप किया था, सपोज़ ये 36 है, सपोज़ ये 38 है, तो 38 में स्टूडेंट जो है वो सी आंसर किया है एंड वो ये सोच रहा है कि नहीं मैंने बी किया था, तो यहाँ से आप चैलेंज कर सकते हो। तो फिर से क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल ओमर सीट है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा कि मशीन तो कहीं गलत तो रीड नहीं कर दिया। तो ये बस एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, अगर स्टूडेंट कोई लगता है कि हाँ मैंने कुछ और फिलअप किया था एंड यहाँ पर कुछ और शो कर रहा है तो आप लोग चैलेंज कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि आपको चैलेंज करने कुछ आवश्यकता लगेगा, बस आपका जो सीट है आपका जो रिस्पॉन्स है आप यहाँ से देख सकते हो। अब अगर फिर भी लगता है कि जो मशीन है वो कुछ गलत रीड कर दिया है एंड आपने कुछ और फिलअप किया था तो आप लोग सिंपली चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो सपोज़ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो आपका जो सीट था जो ओमर सीट में जो मशीन रीड कर रहा है वो डी शो कर रहा है एंड ऑप्शन क्लेम्ड लाइक आपने सपोज़ ए किया था वो गलत शो कर रहा है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। तो देखो ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है, कि एग्ज़ाम 17th जुलाई को हुआ था, आपका जो आंसर की है वो 21st जून को पब्लिश हुआ था, लास्ट डेट फॉर चैलेंजिंग द आंसर की 3rd वीक ऑफ जुलाई को हुआ था, तो यहाँ तक तो 2022 का भी हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आज 26 मई को जैसे कि देख सकते हो पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की आने वाला है। तो फाइनल जो आंसर की, सपोज़ कोई स्टूडेंट को लगता था कि हाँ ये जो आंसर की इसका कुछ गलत है, ये कुछ और होना चाहिए, तो सब दे करके जो WBG बोर्ड वाले हैं वो एक फाइनल आंसर की पब्लिश कर देंगे एंड देन आपका ठीक अगले दिन ही रिजल्ट आ चुका था। तो आई थिंक कि अब मैक्सिमम एक सप्ताह ही लगेगा, ठीक है, मुझे लगा था कि इस महीने के एंड में आ जाएगा लेकिन थोड़ा और डिले हो चुका, ठीक है, क्योंकि जनरली एक महीने से पहले ही सब कुछ हो जाता है, हाँ इस बार एक महीना से क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग बस और एक सप्ताह वेट कर चाहिए, जब फाइनल आंसर की डिक्लेयर होगा तो देख सकते हो उसके ठीक एक से दो दिन के अंदर ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए आपका जो लास्ट डेट है चैलेंज करने का वो 28 शो कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर की है वो जून के 1st या जून का 2nd में आ जाएगा एंड आई थिंक कि आपका जो रिज़ल्ट है संग संग मतलब 3 से 4 दिन के अंदर भी वही आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको ऊपर संग संग नोटिफिकेशन मिल जाता है जो भी कुछ अपडेट आता है रिगार्डिंग WBG या WBG काउंसलिंग रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा इन फ्यूचर।